नमस्कार साथियों, अभी हम बात करेंगे बिहार टीचर बहाली से संबंधित जो 1-5 का जो बहाली है उसका मामला जो सुप्रीम कोर्ट में गया है, वह मामला है क्या, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभी 2-3 दिन से काफ़ी इस बात पर चर्चा तेज हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार गई है, तो आखिर उसका होगा क्या, किसकी जीत होगी, बीएड वाले इसमें शामिल होंगे कि नहीं शामिल होंगे, इसके बारे में समझेंगे। तो एसएलपी के बारे में समझेंगे, आखिर एसएलपी होता क्या है। एसएलपी को कहते हैं स्पेशल लीव पेटीशन, यानी एसएलपी तब होता है, एसएलपी का मतलब होता है कि जब निचली अदालत किसी मामले के फैसले को अस्वीकार कर देती है तो उसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है, जहाँ पर उसकी सीधी सुनवाई कम समयों के अंदर होता है, यानी 7-10 दिन के अंदर उसकी सुनवाई हो जाती है। और यह विशेष परिस्थिति में होता है, सभी कोई आम लोग इसको नहीं कर, मामले को गंभीरता को देखते हुए इसकी सुनवाई होती है। जो बिहार सरकार गई है अभी सुप्रीम कोर्ट, तो वहाँ पर भी यही मामला है, जिसका फैसला 7-10 दिनों के अंदर निश्चित हो जाएगा, उससे पहले भी इसके फैसला हो सकता है। अब बात कहें कि इसमें जीत किसकी होगी, क्या बीएड वाले इसमें शामिल होंगे, बिहार सरकार गई है तो क्या बीएड वाले को शामिल करा पाएगी। तो जहां तक हम इसको समझेंगे, इसके पहले 3 बार बीएड वाले को अमान्य करार दिया जा चुका है। एनसीटीवी ने भी पूरे राज्यों को लेटर जारी कर चुकी है, उसके अलावा पटना हाई कोर्ट ने भी इस मामले में कह दिया है कि बीएड वाले का कुछ नहीं हो सकता है। अब थोड़ी बहुत एक उम्मीद बचती भी है तो वह उम्मीद यही बचती है कि बिहार सरकार कोई कानून लाकर, स्पेशल कानून लाकर बीएड वाले को शामिल करा दे। लेकिन जहां तक कानूनी राय है और कोर्ट का मामला है, तो कोर्ट कभी भी बीएड वाले को शामिल करने की अनुमति नहीं देगी। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का मामला है, डिसीजन यही आएगा, देखिएगा। उम्मीद अधिकतर 90% उम्मीद इसी बात का है। बाकी मन की संतावना को देने के लिए YouTube या बाकी जगह हम अपना मन बहला सकते हैं, लेकिन बीएड वालों के साथ हकीकत जो हो रहा है और हो गया है वो यही है। बाकी धन्यवाद।